Good morning, friends. Today, in this video, we are explaining the principle of diversity. Okay, the principle of diversity. I hope you are completed the previous content. So, in this video, we are understood what is the principle of diversity. Okay. Okay. What is the statement of principle of diversity? Okay, if the path of ray of light, after a number of reflection and refraction, reiterates in a same path, in a opposite direction. That is, it will follow the same path, okay, which it is came, okay. मतलब क्या होना है? अगर कोई ray आपका light ray है ना, वो different medium में क्या कर रही है? Travels कर रही है, okay. यहाँ पे different medium कौन-कौन से हैं आपके? दो medium से, air and glass, okay. तो the principle of diversity says, okay. After the number of reflection and refraction, okay, that is goes to the same path, na, opposite direction. Okay, मतलब जिस direction से वो आएगी उसी direction से वो वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी. Okay, this is the principle of reversibility. Okay, तो ये चीजें हमको पता होना चाहिए, ठीक है? कि भाई अगर कोई light ray है ना, वो किसी पाथ को पर ट्रेवल कर रही है, तो आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, द रे इज रिट्रेस, ना रिट्रेस मतलब उसकी दिशा में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, ठीक है. तो इस चीज को समझना है, ठीक है. फिर अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से इन मेनी टाइम इन द एग्जाम दे आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, प्रूव दैट mu g इज इक्वल टू 1 g mu a, okay, what is the mu g and g mu a? It is called a reflective index with glass, reflective index with a glass with respect to air and reflective index of glass with respect to air, okay. So reflective index hote hain, theek hai, do medium hai hamare paas mein air and glass, theek hai. Chaliye isko complete karte hain, theek hai. First of all, okay, pq. What is the PQ? Here, PQ. Okay, PQ a reflecting surface. क्या होगा? Reflecting surface जो दोनों mediums को क्या कर रहा है? अलग-अलग कर रहा है, ठीक है? Air and water glass. ये वो क्या रहेगा? Incident ray, ना? ये वो, ठीक है? ये क्या रहेगा आपका? Incident ray. First ray, ना? After number of reflection and refraction क्या हो जाएगा? They are, ना? Travel in opposite direction. रे क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल्स करेंगे, ठीक है. ओ बी क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली पे ओ बी. तो ओ बी क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा. आई जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और आर जो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है. आर आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके. देन इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स, ठीक है, मतलब क्या होना है? अगर ये जो पाथ है आपका, ठीक है, वो क्या हो रहा है? लाइट रे के लिए रिवर्स हो रहा है ना, अपोजिट हो रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फर्स्ट में क्या है? ओ डायरेक्शन में चली रे, ठीक है. देन क्या हो जाएगा? वो ओ ए डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? रिटर्न्स हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक है. रिवर्स दैट इज प्रोपगेट नाउ अलोन, ओके, बी ओ, बी से ओ. पी हो जाएगी, पहले क्या हो रहा था? ओ से पी पर आ रही थी, अब क्या होगा? पी से ऊपर जाएगी, ठीक है. देन इट विल रिटर्न बैक ओबेइंग द डायरेक्शन ओ ए, ठीक है. तो ओ डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? वो वापस लौट जाएगी, ओके. अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट? ओके. नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसके लिए? एयर के लिए. तो ए म्यू जी इज
equal to okay by the rule of sign. Nah, ini nah, is this one rule of Snell. Snell's law kalau mana? Nah, I mohon kau baca R sin I mohon kau baca sin R. Okay, the reflections second law. Okay. रिफ्लेक्शन का क्या होता है सेकंड लॉ होता है ठीक है तो एम जी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ए अपॉन में साइन आर टू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ओके देन व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स ठीक है अब क्या हो रहा है पाथ ऑफ लाइट क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है ओके देन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर ठीक है फर्स्ट क्या होना था एयर टू ग्लास ट्रेवल्स होना ट्रेवल्स करती थी रे लाइट ठीक है अब क्या हो रहा है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऐसा बोल रहा है ठीक है तो ग्लास से क्या जाएगा एयर में जाएगा ठीक है ग्लास टू एयर तो ग्लास टू एयर जब जाएगा तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको लेना पड़ेगा ना तो क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास इट मींस the incident angle and angle of refraction is changed okay angle of incident kahan create hota hai kahan create hoga angle of incident okay normal and incident ray ke beech mein angle of incident create hota hai abhi incident ray kaun si ho jayegi jab path kya ho jayega wo change karegi to okay kaun sa ho jayega aapka r okay aur angle of refraction kya ho jayega i ठीक है मतलब यहां पे एंगल भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे ओके यू आर अंडरस्टूड ओके चलिए ठीक है तो एंगल भी क्या हो जाएगा यहां पे चेंज हो जाएंगे ठीक है दैट ठीक है देयरफॉर द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ठीक है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है किसका एयर का है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ना तो एयर का ग्लास के लिए क्या हो जाएगा g म्यू a इज इक्वल टू sin r अपॉन में sin r हियर r इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड r i इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है यू द इक्वेशन नंबर सेकंड ओके मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ओके तो मल्टीप्लाई करना है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का ओके तो b गेट क्या हो जाएगा mu g into g mu a is equal to sin r upon sin r into sin r upon में sin r ओके आई ठीक है sin r कैंसिल हो जाएगा sin r से sin r कैंसिल हो जाएगा ओके अब इक्वेशन आएगी g mu a mu g into g mu a is equal to 1 ओके g mu a का मतलब ट्रांसफर कर लेंगे ठीक है तो upon में चल जाएगा तो a mu g is equal to 1 g mu a ओके हियर द रिक्वायर्ड कंडीशन एंड द रिक्वायर्ड कंडीशंस ओके ये आपको डायरेक्ट एग्जांपल इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन दिए रहेगी प्रूव दैट इक्वेशंस वेयर एम यू जी एंड जी यू ए इज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर एंड एयर टू ग्लास ओके तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा इस इक्वेशंस को आपको करना रहेगा प्रूव करना रहेगा ओके दिस इक्वेशन टेल अस क्या बता रही है अगर ठीक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है 2/3 ठीक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया हमने एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 2/3 देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 मतलब अपोजिट हो जाएगा ठीक है पाथ भी क्या होता है अपोजिट ट्रेवल्स बोलते हैं ना रिवर्स डायरेक्शन में क्या दौड़ जाती है तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ठीक है एयर टू ग्लास 2/3 तो ग्लास टू एयर क्या होगा 3/2 होगा ठीक है मतलब अपोजिट कर देना है आपको ठीक है तो अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना ये प्रिंसिपल बता रहा है ठीक है तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है ठीक है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है डेरिवेशंस को आपको कंप्लीट करना है ठीक है थैंक यू